कि देवांगना सा रूप है, निर्मल मन, मन की निर्मलता नैनों से छलक रही है। संत के मन में कौतूहल हुआ और मीरा को हाथ के संकेत से बुलाया। मीरा ने गिरधर गोपाल की ओर देखा, संत की ओर देखा, संत के चरणों में प्रणिपात अर्पण किया और सहज ही अपने दोनों हाथ प्रसाद के लिए संत के सन्मुख फैला दिए। संत ने अभी अपने गिरधर गोपाल को भोग अर्पण किया था, प्रसाद मीरा के करकमलों पर रख दिया। लेकिन ये मिलन सहज साधारण नहीं था। मीरा ने जो एक दृष्टि गिरधर गोपाल की ओर निहारा था, वो केवल दर्शन नहीं था, मिलन था। दर्शन एक पक्षीय होता है, आप और हम मंदिर में जो जाकर करते हैं उसे दर्शन कहते हैं, क्योंकि केवल हम ठाकुर जी को देखते हैं। और जब आंख से आंख मिलती है, हम उनको देखते हैं और वो हमको देखते हैं, फिर इसको मिलन कहते हैं। इसलिए मंदिर में दर्शन सब करते हैं, पर मिलन किसी किसी का होता है। संत नित्य अपने गिरधर गोपाल का दर्शन करते हैं, लेकिन मीरा के लिए यह दर्शन नहीं था, वो एक दृष्टि में मिलन हो गया। क्योंकि केवल मीरा ने गिरधर गोपाल की मूरत की ओर नहीं देखा, गिरधर गोपाल की उन गहरी सी आंखों ने मीरा के अंतरतम को वेद दिया था। अब मीरा का नित्य का क्रम हो गया। श्रृंगार आरती से पहले मीरा संत के उस कक्ष में प्रस्तुत हो जाती, बड़े भाव से एक टक गिरधर गोपाल की मूरत का दर्शन करती, उनको निहारती। और एक दिन जब दोनों हाथ बढ़ाए प्रसाद के लिए, तो मीरा के कंपित से स्वर की एक प्रार्थना संत के कान में पड़ी कि आज तो जो प्रसाद मैं मांगू आप वो मुझे प्रदान कर दीजिए। संत ने कहा, बोलो क्या चाहती हो। संत ने कहा, एक छोटी सी कन्या है, बल के लिए, विद्या के लिए कोई आशीर्वाद मांगती होगी, इससे अधिक क्या लालसा कर सकती है। राजकन्या है तो अधिक से अधिक इतना चाहेगी कि मुझे कोई सुंदर और सुशील वर मिले जो भजन के मार्ग में सहायक हो। शायद अभिलाषा मीरा की यही थी, और कहा कि आप मुझे प्रसाद में अपने ये गिरधर गोपाल दे दीजिए। संत से तो जैसे किसी ने उनके प्राण मांग लिए हों। पर एक एक नन्ही सी बालिका गिरधर गोपाल मांगती है तो उसको दुत्कारा भी नहीं जा सकता, उसको डांटा भी नहीं जा सकता, कैसे फटकारे, भगवान ही तो मांगे। एक संत के पास जाकर कोई भगवान नहीं मांगेगा तो कहां मांगेगा। एक संत से अगर कोई भगवत सेवा और भगवत प्रेम का प्रसाद नहीं मांगेगा, कहां से मांगेगा, कहां से पाएगा। संत के प्राणों को थोड़ा आघात लगा, मन को थोड़ा धक्का लगा कि ये तो मेरा प्राण धन है, जीवन सर्वस्व है, इनको कैसे दे दूं। लेकिन संत के मन में एक चिंता सी हो गई कि इसको क्या कहकर निषेध करूं। संत को भी निद्रा नहीं आई। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त मंगल वेला संत जब अपने प्रभु के ध्यान में निमग्न होने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज मन लगता नहीं। आज ध्यान बार बार मीरा की उस मासूम सी मुख मुद्रा की ओर आकर्षित हो जाता है। बार बार मीरा की वो डबडबाई आंखें, वो भीगे नैन, वो कांपता हुआ स्वर, कांपते हुए दोनों हाथ, प्रेम से अवरुद्ध वाणी संत के कानों में गूंज रही है कि आज आप प्रसाद में मुझे ये गिरधर लाल दे दीजिए। कुछ तो ऐसा है उस कन्या में, कुछ तो ऐसा है उसकी उस भोली सी बातचीत में, जो उसके स्वरों का गुंजन मेरे कानों से नहीं हटता। लाख प्रयत्न करने पर भी संत नहीं समझा सके अपने आप को। येन केन अपने मन को, चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन नहीं हुआ। और फिर देखते हैं गिरधर लाल, जिनका रोज अपने प्राणों से अभिषेक करता हूं, जिनको अपने स्नेह से रोज नहलाता हूं, भाव के आभूषण धारण कराता हूं, वो ही गिरधर गोपाल वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीतांबराद मधुर बिंब फलाधरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात। वो सुंदर, वो मुरली मनोहर सन्मुख मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं और क्या कहते हैं कि तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, यदि मैं कुछ मांगू तो मुझे दोगे। वो सुमधुर मन प्राण को झनकृत कर देने वाली वाणी जब संत के कान में पड़ी कि प्रभु आप जगतपति हैं, जगन्नाथ हैं, मेरे जैसा एक एक शुद्र दास आपको क्या प्रणाम अर्पित करने के सिवा आपको क्या दे सकता है। मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूं कि आज जब श्रृंगार आरती के पश्चात मीरा
प्रसाद के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए तो मुझे मीरा की उस नन्ही सी अंजलि में पधराकर स्वयं भी कृतार्थ हो जाओ और मुझे भी प्रसन्न कर दो। अब तो संत के मन की ऊहापोह उसका निवारण हो गया, लेकिन संत के मन में एक पीड़ा है, एक और हर्ष है, उल्लास है कि आज सेवा फलीभूत हो गई, आज मेरे पुण्य पूर्ण हो गए, आज मेरे प्रभु ने सेवा स्वीकार कर ली। आप भी जिस दिन ठाकुर जी का श्रृंगार करो और श्रृंगार करते करते नेत्र इतने भर आए कि आपको भीगी आंखों से ठाकुर जी के श्रृंगार का सही सही दर्शन न हो, उस दिन समझना आज का श्रृंगार प्रभु ने स्वीकार कर लिया। आज बरसों की सेवा सफल हो गई, प्रभु ने मुझसे दो बात की, लेकिन बात क्या की कि ये कह दिया कि तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं और जब मीरा हाथ बढ़ाए तो मुझे पधरा देना। पर भगवत आज्ञा है, शायद मेरे प्रभु का सुख इसी में है, यही भक्ति का उत्तम स्वरूप है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकुल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम। श्री रूप गोस्वामी पाद उत्तम भक्ति के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम, जिसमें अपने लिए कोई अभिलाषा न हो, ज्ञान और कर्म का आवरण न हो, और जो कृष्ण के सुख में सुखी हो, वही भक्ति का सर्वोपरि भाव है। संत को गोस्वामी पाद का वाक्य स्मरण हो आया और निश्चित कर लिया कि आज जब मीरा आएगी तो कैसे भी करूंगा, लेकिन अपने ये प्राणधन उसको सौंप दूंगा निश्चित समय, लेकिन आज मीरा उपस्थित नहीं है। अब तो संत का मन न आरती में लग रहा है न और किसी सेवा में, सन्मुख गिरधर गोपाल हैं और बार बार द्वार की ओर झांकते हैं कि आज मीरा क्यों नहीं आई, आना चाहिए क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया। थोड़ी सी देर के बाद देखते हैं वही द्वार की ओट में आज सामने आने का साहस नहीं है, क्योंकि मीरा अपने मन में इस बात का संकोच लिए बैठी है, इस बात की पीड़ा लिए बैठी है कि कल मैंने एक संत का हृदय दुखा दिया, मैं नहीं जानती थी कि गिरधर गोपाल की, ये गिरधर लाल की मूरत मांग लेने से संत के हृदय को इतनी पीड़ा होगी, संत का हृदय इतना पीड़ित हो जाएगा, मैंने एक संत का हृदय दुखा दिया, इतना बड़ा अपराध मुझसे बन पड़ा, आज मीरा का सन्मुख आने का साहस नहीं हो रहा। ओट से देखा मीरा वही है, संत ने आकर संकेत करके स्नेह से भरे संकेत से मीरा जी को अपने निकट बुलाया। आज प्रसाद नहीं लोगी, मीरा जी की आंखों से अश्रु ढरक आए, स्वर कंपित हो गया कि आपके चरणों की अपराधिनी हूं, मुझसे अपराध हुआ जो कल मैंने आपसे आपके इन प्राण धन जीवन सर्वस्व को ही मांग लिया, लेकिन मैं क्या करूं, इन्होंने मेरा मन मोह लिया है, मेरे चित्त का इतना आकर्षण कर लिया है इन्होंने कि इनके सिवा मुझे अब संसार सूना सा जान पड़ता है। अपने मन की पीड़ा, अपने चित्त का ये कष्ट, ये दुख आपसे न कहती तो किससे कहती, और बताइए कि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बस अबोध बालक हूं, मूढ़ हूं, संत की सेवा का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपसे अपने चित्त की पीड़ा का निवेदन कर दिया, मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। संत ने कहा, अपराध तो क्षमा मैंने कर दिया, पर क्या आज प्रसाद नहीं लोगी। गर्दन नीचे झुकाए, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पश्चाताप है कि मुझसे ऐसी क्रिया बन पड़ी कि संत का हृदय दुख गया। इस संसार में इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं है जो भगवान का नाम जपने से भी शांत नहीं हो सकता। आप किसी को सम्मान न दे सके कोई बात नहीं, क्योंकि सबको सम्मान देना यह साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं होती। कोई उदार मना ये काम कर सकता है, कोई उदार चित्त व्यक्ति इस बात में, इस भाव में सफल हो सकता है। हां, सबको सम्मान देने की सामर्थ्य आपकी न हो, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा प्राणी मात्र में से भी किसी का हृदय नहीं पीड़ित हो जाए। कली पावनावतार श्री चैतन्य देव भगवत भक्ति का आधारभूत सिद्धांत यही कहते थे, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। सब जीवन सो प्रीत और रीति निवाहत आपनी, ऐसे व्यक्ति के मुख में ही भगवान नाम शोभा देता है,
ऐसे व्यक्ति के नेत्र ही भगवत प्रेम में छल छलाते सुंदर लगते हैं, जो किसी का अपमान नहीं करता, जो किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं जानता। केवल मस्तक पर सुंदर तिलक, गले में शोभायमान तुलसी की कंठी धारण कर लेने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, और पर दुखे उपकार करे सोई मन अभिमान न आने रे। आज मीरा ने जब हाथ बढ़ाए संत की आज्ञा पाकर, तो पुष्प और नैवेद्य प्रसाद मीरा के हाथ में नहीं है, संत के नेत्र भी बंद हैं, प्रेमाश्रु छल छला रहे हैं। उधर मीरा के नेत्र भी बंद हैं, प्रेमाश्रु छल छला रहे हैं। एक अपना प्राणधन, अपना जीवन सर्वस्व, अपने जीवन का आधार किसी के कर कमलों में अर्पित करने जा रहा है, और एक भक्त का सौभाग्य ऐसा जगा है कि उसको आज जीवन का आधार मिलने वाला है, उसको आज उसके जीवन का सार सर्वस्व प्राप्त हो रहा है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो सारे संसार में बंट जाने के बाद भी पूरा का पूरा शेष रहता है। आप एक साथ सारे विश्व को प्रेम का दान कर सकते हैं और फिर भी आपके हृदय में प्रेम पूरित रहेगा। मीरा गाती है ना, खर्चे ना खूटे, वाको चोर ना लूटे, और दिन दिन बढ़त सवायो। ये भगवत प्रेम है, आप जितना बांटेंगे आप उससे उतने ही पूरित होते चले जाएंगे। संत ने गिरधर लाल मीरा के हस्तकमल पर पधरा तो दिए, लेकिन हस्तकमल पर पधराते ही और श्री कृष्ण में सुखी होने की ये लालसा, श्री कृष्ण के सुख में सुखी होने की भावना, ये जीवन में जैसे ही चरितार्थ हुई, संत का जीवन भी कृतार्थ हो गया। दोनों अपने प्रेमाश्रुओं से गिरधर लाल की उस सुंदर मनमोहिनी मूरत का अभिषेक कर रहे हैं, और मीरा जड़ हो गई, मानो किसी ने प्राण हर लिए हों। आंख खोलकर देखने का साहस नहीं है, प्रेमाश्रुओं में डबडबाए नेत्र हैं मीरा के, जिन गिरधर लाल को घंटों एक तक निहारा करती थी, आज वो इतने समीप हैं, आज वो इतने निकट हैं, मानो हृदय से लगने को आतुर हो, आकुल हो। लेकिन आज मीरा की स्थिति ऐसी है कि मीरा तो आंख भरकर उनका दर्शन भी नहीं कर पा रही है। देखिए, मीरा जी कुछ जन्म से कृष्ण प्रेम सिद्ध है, वो जन्म जन्म की कृष्ण प्रेमिका है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि भक्त के जीवन में जो घटता है वो भगवान की लीला है। संसार को प्रेम उपदेश करने के लिए, संसार के प्राणी मात्र को प्रेमामृत का पान कराने के लिए भगवान भक्त के जीवन की एक एक लीला घटित कराते हैं। मीरा चाहती तो जिस राजकुल में उसका जन्म हुआ, भक्त का कुल है, मीरा चाहती तो मीरा जी को जन्म से ही सहज आकर्षण से श्री कृष्ण की सोने की मूरत प्राप्त हो जाती। पर मीरा को भगवान ने अपनी मूरत दिलवाई कैसे? एक संत के हाथ से। मीरा को यह प्रेम का प्रसाद मिला एक संत की कृपा से। मीरा चाहती तो सोने की मूरत गढ़वा कर, रत्न और आभूषण उन्हें धारण कराकर अपने मंदिर में पधरा लेती, लेकिन मीरा को यह प्रसाद मिला संत की कृपा से। सूत्रपात करती है यह घटना इस सिद्धांत का कि आपको भी जब जीवन में भगवत प्रेम मिलेगा, जब भगवत सेवा मिलेगी, तो किसी संत की कृपा से मिलेगी। अगर बहुत सारे लोग मैंने देखे वृंदावन जाते हैं तो बाल गोपाल जी को घर में ले आते हैं, युगल सरकार अपने घर में ले आकर पधरा लेते हैं, पर देखा देखी भक्ति को व्यास ना हो निभा, बहुत दिन तक इसका निभा नहीं कर पाते, क्योंकि भाव का आधार नहीं होता। और वही सेवा, वही भाव, वही भजन, वही प्रीति जब आपको किसी संत के कृपा प्रसाद से मिलती है, जब किसी सदगुरु की कृपा से मिलती है, तो वह भाव अक्षय होता है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता। मीरा को गिरधर लाल मिले, मीरा जन्म जन्म की अधिकारिणी है कृष्ण प्रेम की। मीरा कहने को गिरधर लाल की दासी है, लेकिन कृष्ण प्रेम की अधिकारिणी है। मीरा की कृपा से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन उसके भी जीवन में यह घटना घटी। संत के माध्यम से मीरा ने भी इस संसार में प्रकट होकर, इस संसार में आविर्भूत होकर जब अपने गिरधर लाल का दर्शन किया, तो संत रूपी झरोखे से किया, सीधे सीधे नहीं।
और वो घड़ी जिस समय एक संत गोपाल लाल की वो सुंदर मनमोहिनी मूरत प्रदान कर रहे हैं मीरा को, वो दे रहे हैं, मीरा स्वीकार कर रही है, देने वाला संत है, लेने वाला भक्त है और बीच में भगवान है, ऐसी घटना संसार में विरल घटती है। ये क्षण जीवन में विरल होते हैं और जिसके जीवन में ये घटता है, जिसके जीवन में ये सुंदर क्षण आता है, ये बात निश्चित है कि उसके जीवन का विश्राम निश्चित भगवत चरणों में ही होता है। देखो, हम अपनी मांगने की आदत छोड़ नहीं सकते, जीव है, इसका स्वभाव है मांगना, जैसे भगवान का स्वभाव है देना, तो हम अपनी मांगने की आदत, मांगने का लोभ छोड़ नहीं सकते, लेकिन क्या मांगना है ये सीख लेना चाहिए, भगवान के सन्मुख जाकर क्या याचना करनी है ये जान लेना चाहिए।